गजानन तुम शुभ करता विघ्न विनाशन गणेश लीला मैं सत्य हूँ। सत्य एक ऐसा मधुर संगीत है जो वीणा पर नहीं बजाया जाता, जिसके लिए किसी वाद्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। सत्य का संगीत मनुष्य के अंदर भी बज उठता है, इसलिए मुझे सत्य का प्रस्ताव मानकर सत्य रूपी संगीत का आनंद लो। तुम यहां कैसे चले आए देवान तक? तुमसे अपने भाई नरान तक की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आया हूं काशी नरेश। स्वर्ग के अधिपति कहलाते हो, असुर राज हो, और इस तरह चोरों की भांति यहां आकर अपनी वीरता दिखा रहे हो। काशी नरेश, हम क्षत्रिय निहत्ते और चरणों में पड़े शत्रु पर वार नहीं करते। खड़े हो जाओ और परख लो अपनी शक्ति को। काशी नरेश, बड़े वीर योद्धा बनते हो। मैं देवान तक आज तेरी मृत्यु बनकर तेरी छाती पर खड़ा हूं। स्मरण कर ले अपने परिवारजनों का और स्मरण कर उस कश्यप नंदन महोत्कट का, जिसने मेरे भाई नरान तक का वध किया। उसे भी बुला ले ताकि मैं तुम दोनों को साथ साथ यमलोक पहुंचा सकूं। मूर्ख, तेरी युद्ध नीति तू जाने, मेरी युद्ध नीति तो ये कहती है कि दांव ठीक पड़ जाने पर शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। और अब तुम मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। ठहरो, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिससे तुम्हें शत्रुता है, कश्यप नंदन महोत्कट। तो तुम ही हो वो दुष्ट बालक जिसने मेरे भाई नरान तक का वध किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। देवान तक, तेरा भी वही अंत होगा जो तेरे भाई नरान तक का हुआ था। दुष्ट, तूने जीवन भर जघन्य कार्य किए हैं, अब तू अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जा।
मैं सत्य हूं। देवांतक और नरांतक की मृत्यु के साथ ही त्रिलोकी से असुर साम्राज्य का अंत हो गया। काशी में रहकर भगवान महोत्कट विनायक को जो लीलाएं करनी थी उन पर विराम लग गया। उनके लिए काशी में बस एक ही कार्य शेष रह गया है, काशी नरेश के राजकुमार का विवाह संपन्न कराना। आज परम हर्ष का विषय है, दुष्ट देवांतक और नरांतक दोनों ही मारे गए। त्रिलोक से असुरों का प्रभुत्व समाप्त हुआ और इसका संपूर्ण श्रेय जाता है श्री कश्यप नंदन महोत्कट भगवान विनायक को। भगवान महोत्कट विनायक की जय। कश्यप नंदन महोत्कट की जय। श्रीमान काशी नरेश का कथन अपने पुरोहित कुल के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास का परिचायक है। त्रिलोक से असुरों का प्रभुत्व समाप्त हुआ, एक नए युग का सूत्रपात हो गया है। अब आप सब स्वतंत्रता का लाभ लेकर अपने अपने कर्तव्य धर्मों में आरूढ़ रहें। भगवान महोत्कट विनायक की जय। कश्यप नंदन महोत्कट की जय। हे महाराज, जिस कार्य के लिए आप कश्यप आश्रम थे बाल पुरोहित को लेकर आए थे वो कार्य तो अभी शेष ही है। जी हाँ महामंत्री जी, असुरों के साथ संघर्ष में हम ये भूल ही गए थे कि हमारे राजकुमार का विवाह होना है। महामंत्री जी, आप कश्यप नंदन महोत्कट के मार्गदर्शन में उचित मुहूर्त निर्धारित करके विवाह समारोह की तैयारियां शीघ्र प्रारंभ कर दें। जो आज्ञा महाराज। आज इस शुभ मुहूर्त पर महाराज काशी नरेश के सुपुत्र और महाराज मगध नरेश की सुपुत्री का विवाह संपन्न होने जा रहा है। राज पुरोहित कश्यप नंदन की जय। राज पुरोहित कश्यप नंदन की जय। महाराज मगध नरेश की जय। वधू के माता पिता अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में प्रदान करें। वधू की बहन आकर वर वधू का ग्रंथि बंधन करें। आप दोनों विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। आप दोनों को अपने कर्तव्यों की अनुपालना के लिए शास्त्र सम्मत प्रतिज्ञाएं करनी होंगी, तभी मैं आगे की विधि संपन्न कराऊंगा। जो आज्ञा। बोलिए, आज से मैं धर्म पत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन का प्रारंभ करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूंगा। प्रसन्नता पूर्वक ग्रह लक्ष्मी को महान अधिकार सौंपता हूँ। और जीवन के निर्धारण में उनके परामर्श को महत्व दूंगा। कन्या की प्रतिज्ञाएं बोलिए। जी। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी।
इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर सभी के साथ शिष्टता बरतूंगी। अब आपको अग्नि की परिक्रमा करवाते हुए विवाह संस्कार की महत्वपूर्ण विधि संपन्न करनी है। आप दोनों खड़े हो जाइए। वर महोदय अपनी वधू की मांग में सिंदूर भरेंगे। आप दोनों का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। यहाँ उपस्थित सभी जन नव दंपति को आशीर्वाद दें। शुभम भवतु मंगलम। आप दोनों का मंगल हो। आप सदा सुखी सानंद रहें। प्रणाम पिताश्री। सदा प्रसन्न रहो। प्रणाम माताश्री। सदा सुखी रहो। प्रणाम देवी पार्वती। माते आपके लिए एक शुभ संदेश है। क्या शुभ संदेश है? काशी से समाचार आया है कि वहाँ भगवान महोत्कट ने काशी नरेश के पुत्र का विवाह संस्कार संपन्न करा दिया है और वे किसी भी समय कैलाश आ सकते हैं। क्या जया, ये तो सच में बहुत ही शुभ समाचार है। एक लंबा समय व्यतीत हुआ है अपने पुत्र से दूर हुए। उसके बिना यहाँ सब सूना सूना लगता था। अब वो जब आ जाएगा तो मैं उसे एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। मेरा पुत्र जया। विजया जी, माते कैलाश में आनंद उत्सव का समाचार घर घर जाकर दे दो। मेरा पुत्र आ रहा है। मेरा पुत्र गणेश आ रहा है। वो आ गया माते। ये हमारा, आप सबका और संपूर्ण काशी का सौभाग्य है कि हमारे पुत्र के विवाह हेतु आए श्री कश्यप नंदन महोत्कट एक लंबे समय तक काशी में रहे। विवाह तो अभी संपन्न हुआ है, किंतु कश्यप नंदन महोत्कट ने काशी की धरती पर जो इतिहास रचा है वह स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। राजन, काशी प्रवास के मेरे सारे उद्देश्य और उत्तरदायित्व पूर्ण हो चुके हैं। पिताश्री का आश्रम छोड़े बहुत समय बीत गया है। मेरा निवेदन है कि मुझे शीघ्र अति शीघ्र मेरे पिताश्री के आश्रम में पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। हम श्री कश्यप नंदन महोत्कट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते। हे महोत्कट विनायक, मैं स्वयं आपको साथ लेकर कश्यप आश्रम चलूंगा। जैसे आपको लाया था वैसे ही पहुंचाकर भी आऊंगा। राजपुरोहित कश्यप नंदन महोत्कट की जय। राजपुरोहित कश्यप नंदन महोत्कट की जय। हमने सुना है महाराज, आज राजसभा में हमारे बाल पुरोहित जी को
वापस महर्षि कश्यप के आश्रम में भेजने का निर्णय किया है? हाँ महारानी, ऐसा ही निर्णय लिया गया है। यह तो उचित नहीं है महाराज। कम से कम आपको हमारी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए था। हे कश्यप नंदन, आपने हमारे लिए क्या नहीं किया? आपके बिना काशी सूनी हो जाएगी। कश्यप नंदन, महारानी आपका कथन अपने स्थान पर उपयुक्त है, किंतु आप जानती नहीं, आपके पुत्र का विवाह संस्कार कराने के लिए काशी आना तो एक निमित्त मात्र था। यहाँ आने का मेरा मुख्य उद्देश्य पूर्ण हो गया। कैसा उद्देश्य? महारानी, यहाँ आने का मेरा एक ही उद्देश्य था, दुष्ट नरांतक और देवांतक के अत्याचारों से त्रिलोक को मुक्ति दिलाना, संसार में धर्म की स्थापना करना, सत्पुरुषों का परित्राण करना, और ये सब कार्य पूर्ण हो गए हैं। इनके लिए ही मैंने धरती पर अवतार लिया है। अब मुझे अपनी लीलाओं को समाप्त कर शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करना होगा। हे कश्यप नंदन, आपके द्वारा असुरों के विनाश की बात तो प्रत्यक्ष है। हे प्रभु, कृपया करके अपने मूल रूप के दर्शन देकर एक बार और कृतार्थ करें।